हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। जो आपका रिज़ल्ट है फ्रेंड, रैंक के रूप में जारी किया गया है। तो जब अपना रैंक देखे होंगे तो आपके मन में बस यही सवाल चल रहा होगा कि जो आपका रैंक आया है, क्या उसके अनुसार आपको जो कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हम स्पेशल इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रेसर कोर्स के बारे में। ठीक है, ड्रेसर जो कोर्स है फ्रेंड, मैट्रिक लेवल पर आपका एग्ज़ाम हुआ होगा और जब फॉर्म आप भरे होंगे या एग्ज़ाम दिए होंगे तो PMM करके सेलेक्ट किए होंगे, यानी कि ये मैट्रिक लेवल होता है। ठीक है, तो रैंक कार्ड के बारे में हम जो भी आपको बताएंगे, ये डेटा के बारे में कि कब कितना रैंक से कितना रैंक के बीच आप, अगर आपका रैंक है तो कौन सा कॉलेज मिलेगा और किस कॉलेज में आपका ड्रेसर कोर्स में एडमिशन हो पाएगा, ये सारी जानकारी फ्रेंड पिछले साल जो एडमिशन हुआ है 2021 में उसके अनुसार बताएंगे। क्योंकि 2022 का जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो होता है वो जारी नहीं किया गया था, मगर आपका जो 2021-22 जो भी एडमिशन हुआ है सब लगभग पिछले वर्ष के अनुसार ही होता है। थोड़ा सा इधर उधर रैंक होता है, जैसे 10 या 20 रैंक जो है इधर उधर हो सकते हैं या 50 रैंक जो इधर उधर हो सकते हैं, मगर अधिकतर जो है उसी के अनुसार एडमिशन होता है। ठीक है, तो सारा चीज़ आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। रैंक कार्ड बताने से पहले फ्रेंड आपको ड्रेसर कोर्स के बारे में कुछ बता देते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ड्रेसर कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़े। ठीक है, तो कुछ जानकारी है जो आपको पहले जान लेना चाहिए। अगर आपने इंटर कर लिया है, ठीक है, इंटर कर लिए हैं और उसके बाद अगर आप पैरामेडिकल एग्ज़ाम दिए हैं और ड्रेसर कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो नहीं ले तो ही अच्छा है। अगर आप ले भी लेते हैं तो लेने के बाद आपको आगे की पैरामेडिकल एग्ज़ाम की या BCC या अन्य किसी कोर्सेज के बढ़िया कोर्स में एडमिशन लेने के लिए तैयारी करते रहें और उसकी तैयारी करें और उसमें एडमिशन लें, क्योंकि ये एक मैट्रिक लेवल कोर्स है। ठीक है, मैट्रिक लेवल कोर्स है और ये सर्टिफिकेट कोर्स सिर्फ एक साल का है। और इसमें क्या है कि उसका उतना महत्व तो नहीं है। अगर आप इंटर लेवल पर कोर्सेज करते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं या बैचलर कोर्सेज करते हैं तो उसके अपेक्षा इसकी वैल्यू जो है थोड़ा कम है। ये नहीं है कि इसका वैल्यू नहीं है या इसका महत्व तो नहीं है, सब अपने अपने जगह पर एक अच्छे होते हैं। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मैट्रिक पास किए हैं, उनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं है, कमज़ोर घर से हैं, तो वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और अपने आगे की तैयारी भी कर सकते हैं और पढ़ के अपना जो थोड़ा बहुत इनकम आराम से कर सकते हैं। तो ये बात है। और देखिए, अगर बिहार सरकार द्वारा जो भी अभी पैरामेडिकल कोर्सेज कॉलेज है जहाँ पे ड्रेसर कोर्स चलाया जा रहा है, वहाँ पे सेशन बहुत ही लेट चल रहा है। अभी मान लीजिए 2021 में जो स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं 2021 में, ठीक है, उनका अभी फर्स्ट ईयर का एक साल का तो कोर्स है, अभी तक उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। लगभग एग्ज़ाम होने और फाइनल होने में 5 से 6 महीने लगेंगे, तो इससे आपको अंदाज़ा चल गया होगा कितने सेशन लेट चल रहा है। एक साल का कोर्स आपको करने में लगभग 2 साल या 2.5 साल लग जा रहे हैं। तो इससे आपको एक तो आपके समय भी बर्बाद हो रहे हैं और आपको उतना अच्छा सर्टिफिकेट कोर्स भी डिग्री भी नहीं मिल पा रहा है जिससे आप आगे कुछ चल कर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए हम सजेशन आपको दे रहे हैं, पहले ही आपको सारा चीज़ बता दे रहे हैं कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सारी खामियाँ हैं, तो इसके अनुसार आपको जानकारी रहेगी तो आप एडमिशन लें या अन्यथा नहीं लें। हमको ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आप एडमिशन लें ही या नहीं ले, हम जो कमियां थी आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको लगता है कि एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब चलिए आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। और फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि ये सारी जानकारी आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा और जो हम आगे चलकर वीडियो का डेटा आपको बताएंगे कि इतना रैंक से इतना रैंक के बीच एडमिशन हो जाएगा, ये आपको यूट्यूब पर हम गारंटी लेते हैं कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब फोन के आपको होम स्क्रीन देख सकते हैं, ये आपका जो पिछले वर्ष का एडमिशन हुआ था उसी का यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दिया गया है, यानी कि कितना रैंक वालों का एडमिशन हुआ होता यहाँ पर देख सकते हैं। DCC PMM 2021, ठीक है, और कोर्स यहाँ पर दिया गया है ड्रेसर, यहाँ पर सारे कॉलेज का नाम दिया गया है और कितना रैंक के कितना एडमिशन हुआ था कैटेगरी वाइज सारा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इसी के आधार पर हम क्या किए हैं, एक अलग से डेटा तैयार किए हैं और वो डेटा हम आपको दिखाते हैं। इसको हम क्या किए हैं, एक पेज पर लिखकर सारा को रख लिया है। यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं सभी का यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, सारा का नाम दिया गया है। कॉलेज हैं जहाँ पे ड्रेसर कोर्स कराया जाता है, मगर यहाँ पे जो ऊपर कॉलेज नाम दिए गए हैं स्पेशल, ये इनका जो रैंक है हाई जाता है और ये अच्छे हैं। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल के साथ आपके कॉलेज भी अवेलेबल है। और इसके बाद जो कुछ
अंडर सिविल सर्जन हर जिले में यहाँ पे मात्र 5-5 सीटें पर एडमिशन होता है, देख सकते हैं 5-5 सीटों पर एडमिशन होगा। यहाँ पे आपको सीट के बारे में हम मेंशन किए हुए हैं, और यहाँ पे जो भी मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे ड्रेसर कोर्स कराया जाता है लगभग 30-30 सीटें हैं। और उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आप देखिएगा तो पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट जो नया अभी बनाया गया है, 2 सालों से यहाँ पे एडमिशन चल रहा है, यहाँ पे लगभग 60-60 सीटें हैं ड्रेसर कोर्स के लिए। तो इस प्रकार से टोटल अगर बात करें तो 690 सीट हैं आपको पूरे बिहार भर में ड्रेसर कोर्स में एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं कि कैसे आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले आपको PMCH पटना में जो है उसमें अगर आपको एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम हम दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी लिख दिया है, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल हो गया, SC से आते हैं तो SC दिया गया है, ST का दिया गया, BC, EBC, EWS, RCG और यानी RCG का मतलब हुआ गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी जो होता है उसका, और DQ के लिए। तो इस प्रकार से तो अब पटना यूनिवर्सिटी PMCH पटना का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप UR से आते हैं तो आपको 615, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 615 रैंक के अंदर आपका है, यानी कि 1 से लेकर 615 के बीच आपका रैंक है, तो आपको आसानी से PMCH पटना में ड्रेसर कोर्स में एडमिशन हो सकता है। मान लीजिए कि 615 नहीं होता है तो यहाँ पर आपको 600 के आसपास एडमिशन हो सकता है, 1 से लेकर 600 के बीच अगर आपका रैंक है तो आसानी से मिल सकता है। ये रैंक थोड़ा इधर उधर होता है क्योंकि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जिनका रैंक है जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यह 321 गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रैंक है 321 गया है, यहाँ का स्टूडेंट कोई है इस जिला में कि जिनका रैंक 100 है, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हमारा एडमिशन यहाँ पे हो, तो यहाँ पर का रैंक जो है बढ़ सकता है घट सकता है। तो अगर ज़्यादा स्टूडेंट अच्छा रैंक वाले इसको चूज कर लिए तो थोड़ा रैंक इधर उधर हो सकता है, मगर लगभग इतना ही सेम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपका SC है, तो SC से अगर आते हैं और PMCH पटना में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका रैंक कितना होना चाहिए, 1 से लेकर 72, ये आपको SC कैटेगरी में होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपका जो रैंक जारी किया गया हुआ तो एक ओपन रैंक करके लिखा गया होगा, उसके बाद आपको जनरल रैंक वहां पर दिया गया, फिर आपको कैटेगरी रैंक आपको दिया गया, तो कैटेगरी में मेंशन किया हुआ कि आप SC से आते हैं, EBC से आते हैं, BC से आते हैं, EWS से आते हैं या DQ से हैं, तो आपका जो भी कैटेगरी वाला रैंक होगा वही मेन होगा, ठीक है, उसी के अनुसार आप ना यहाँ पर मिलान कीजिएगा और उसके अनुसार आप देखिएगा, या आपको कमेंट करके पूछना भी होगा, तो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना कैटेगरी ओपन कैटेगरी रैंक ही कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है, उसके अनुसार हम बता सकते हैं। अगर आप कोई भी कैटेगरी से नहीं आते हैं, जनरल से आते हैं, तो सिर्फ आपका UR रैंक दिया गया होगा तो UR रैंक के अनुसार आप यहाँ पे मिला सकते हैं कि आपको एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अगर EWS से आते हैं तो आपका EWS रैंक अलग दिया गया होगा और EWS रैंक जो होगा उसी के अनुसार आप मिलाइएगा, उसी के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए पहले। अब देखिए यहाँ पे फिर दिया गया है कि BC के लिए कितना होना चाहिए, तो अगर आप पटना PMCH में एडमिशन लेते हैं तो 298, या मान लीजिए कि 1 से लेकर 298 के बीच आपका कहीं भी रैंक है, ठीक है, तो मान लीजिए 50 है 40 है 30 है 35 है, तो अगर आपने कॉलेज PMCH को सिलेक्ट किया तो ये आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, ये बात रहा। अब देखिए EBC के लिए, तो EBC के लिए अभी 244 गया, यानी हाईएस्ट जो है 244, यानी कि 244 आपका कोई भी रैंक है इसके नीचे, 1 से लेकर 244 के बीच आपके EBC कैटेगरी में जो भी रैंक है अगर आप चाहते हैं PMCH पटना में तो आपको आसानी से मिल जाएगा। EWS के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 87 गया है, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 87 के बीच आपका रैंक है तो एडमिशन हो जा सकता है। उसके बाद RCG के लिए 195 गया है और DQ के लिए 31 गया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रत्येक कॉलेज का डिटेल से दिया गया है। तो ये अगर आप पेज हमसे चाहते हैं और अपना चूज करना चाहते हैं कि कौन सा, अब देखिए अब सबके कॉलेज का हम डिटेल से बताएंगे कि इसका इसका है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा समझाने में, तो इसलिए अच्छा है कि आप ये मुझसे पेज ले सकते हैं। इस पेज को हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो, या आप अगर आप बोलिएगा तो हम लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो जिस स्टूडेंट को भी यह पेज चाहिए वो कमेंट जरूर करें, नहीं तो यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ देर आपको रख देते हैं, आप स्क्रीन शॉट भी लेकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, फिर यहाँ ले सकते हैं स्क्रीन शॉट, और फिर यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। सबसे ऊपर PMI वेस्ट चंपारण का भी दिया गया है, इस यहाँ पर देख सकते हैं, और ST के लिए भी कुछ कुछ सीटें हैं, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ओवरऑल बात कर सकते हैं कि अगर कितना रैंक के अंदर है तो आपको एडमिशन हो जाएगा ड्रेसर कोर्स में। तो बात करते हैं सबसे, अगर UR कैटेगरी से आते हैं और आपका रैंक जो है 1232, ठीक है, 1232, 1 से लेकर 1232 के बीच आपका रैंक है जनरल कैटेगरी से, तो आपको आसानी से ड्रेसर कोर्स में कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। सेफ जोन में अगर बात करें तो 1200 के अंदर होना चाहिए, ठीक है, 1 से लेकर अगर 1200 के रैंक के बीच है आपका,
तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं एससी के लिए, ठीक है। तो एससी कैटेगरी से आते हैं, अगर आपका रैंक जो है यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट जो गया है 335 गया है, ठीक है। तो आपका कैटेगरी रैंक 335 के बीच है, 1 से लेकर 330 के बीच भी है, तो आपका आसानी से एडमिशन ड्रेसर कोर्स में हो जाएगा। बात करें एसटी का, तो एसटी से आपका रैंक जो होना चाहिए 1 से लेकर 26 के बीच आपका रैंक अगर है तो आसानी से कहीं ना कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है, एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका बीसी का, ठीक है। तो अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका रैंक जो है फ्रेंड 1 से लेकर 700 के बीच है, ठीक है। 700 के बीच आपका रैंक है तो आपको कहीं ना कहीं आसानी से एडमिशन हो जाएगा किसी भी ना किसी कॉलेज में। अगर आपको चाहिए कि कौन से कॉलेज में हो पाएगा किस कॉलेज में नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे दिया गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ जो यूसीजी हैं, ठीक है, अंडर जो सिविल सर्जन के अंदर आते हैं 5-5 कॉलेजों में सीटें, तो यहाँ पे देख सकते हैं रैंक थोड़ा कम कहीं है क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी बाई कुछ सीटें ही है, 5 सीट है, तो 5 स्टूडेंट जो है कैटेगरी बाई बांटा गया कि इस कैटेगरी को 1 स्टूडेंट का एडमिशन होगा, 2 स्टूडेंट का एडमिशन होगा, तो इस प्रकार इसलिए यहाँ पर रैंक इधर उधर हुआ है। और इसका जो रैंक है अंडर सिविल सर्जन का ज़्यादा ही चेंज होते रहता है, ठीक है, चेंज होने की चांस है, मगर जो हाईएस्ट कॉलेजेस हैं मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे थोड़ा रैंक सेम ही रहेगा हर साल, और पारा मेडिकल कॉलेज का है उसका भी सेम ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं ईबीसी का, तो अगर आप ईबीसी से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक जो है फ्रेंड 625 के अंदर है, यानी 1 से लेकर 625 के बीच है, तो आपको आसानी से कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा 600 अंदर आपका ईबीसी में रैंक है। तो अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में फ्रेंड आपका आपका रैंक जो है 1 से लेकर 230 के बीच है अंडर, तो आपको कहीं ना कहीं आसानी से एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका आरसीजी यानी गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी से अगर आप आते हैं और आपका रैंक जो है 1 से लेकर 642 है, ठीक है, गर्ल्स कैटेगरी का, ठीक है, आरसीजी कैटेगरी का रैंक जो है आपका 642 के अंदर है, तो आसानी से आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। अगर आप डीक्यू कैटेगरी से आते हैं तो डीक्यू में अगर आते हैं तो आपका रैंक जो है 107 के बीच है, ठीक है, 1 से लेकर 107 के बीच कहीं भी है, मान लीजिए कि 100 के अंदर है, ठीक है, आपका रैंक 100 से नीचे है, 100 के अंदर है, तो आपको आसानी से कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगा होगा तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और किसी तरह का भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड धीरे धीरे सारा कोर्सेज का वीडियो चैनल पर आते रहेगा, थोड़ा समय कमी के कारण वीडियो लेट हो रहा है आने में, मगर सबका कोशिश करेंगे कि हम वीडियो बनाकर डालें। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।